डिजिटल हाजिरी से जुड़ी बड़ी खबर है। अब राजकीय माध्यमिक स्कूलों में भी अनिवार्य है। विरोध के बीच बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य है। माध्यमिक शिक्षा की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। हाजिरी के आधार पर ही दिया जाएगा वेतन। तो बड़ी खबर लखनऊ से, डिजिटल अटेंडेंस से जुड़ी एक और खबर। अब राजकीय माध्यमिक स्कूलों में भी अनिवार्य होगा। विरोध के बीच बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य हो गया है। माध्यमिक शिक्षा की तरफ से आदेश जारी हो गया है। विशाल हमारे साथ बने हुए इस खबर पर भी। विशाल, अब माध्यमिक शिक्षा की तरफ से भी आदेश जारी हो गया है, और वो भी तब जब अभी भी विरोध जारी है लगातार। देखिए बिल्कुल, चूंकि बेसिक स्कूलों में जो तमाम टीचर्स थे उनके डिजिटल अटेंडेंस को लेकर लगातार विरोध चल रहा है, लेकिन अब माध्यमिक शिक्षा की तरफ से भी ये निर्देश जो है वो जारी कर दिया गया है। तमाम BIOS को ये पूरे निर्देश जारी कर दिए गए हैं और ये कह दिया गया है कि अनिवार्य जो है ये रहेगा अटेंडेंस, और इसी के आधार पर जो हाजिरी के आधार पर ही जो तनख्वाह है, जो सैलरी है वो मिलेगी। ऐसे में किसी भी तरह से कोई कोताही ना हो, इसको लेकर सीधे तौर पर निर्देश जो है वो जारी कर दिए गए हैं। और अब बेसिक के बाद जो माध्यमिक शिक्षा विभाग है उसमें भी इस बात को लेकर निर्देश जो है वो महेंद्र जो डायरेक्टर है उनकी तरफ से जारी कर दिए गए हैं। और अब सवाल वही उठ रहा है विशाल, जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि पहले बेसिक और अब माध्यमिक, और पहले से ही इसका विरोध हो रहा है। क्या लगता है अब आगे विरोध आगे भी जारी रहने वाला है, और लेकिन निर्देश लगातार जारी किए जा रहे हैं डिजिटल अटेंडेंस को लेकर? देखिए बिल्कुल, आपको बता दें कि चूँकि लगातार विरोध जो है वो डिजिटल अटेंडेंस को लेकर जारी है। चाहे आप तमाम कोई भी डिस्ट्रिक्ट उठा लीजिए, 1% से ज़्यादा कहीं पर भी अटेंडेंस नहीं लगाई जा रही है। इसको लेकर तमाम तरह की बातचीत का भी दौर चल रहा है, लेकिन इस विरोध के बीच अब माध्यमिक विभाग की तरफ से भी निर्देश जो है वो जारी कर दिए गए हैं, और इस पर कह दिया गया है कि अटेंडेंस लगाना कंपलसरी होगा, और अगर अटेंडेंस नहीं लगाई जाती है तब जो हाजिरी के आधार पर ही जो सैलरी है वो काटी जाएगी। बहुत शुक्रिया विशाल, ये जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।